वृक्ष जब फलता है तो कितना सुंदर लगता है, उसकी डालियां झुक जाती हैं, जितने अधिक फल उतनी झुकी डालियां। कारण, वृक्ष कहता है कि मेरे इन फलों को तोड़ो, उसका आनंद लो। इससे एक ओर हमें वृक्ष के मीठे फल खाने को मिलते हैं तो दूसरी ओर वृक्ष के स्वयं का बोझ कम हो जाता है। इसी भांति यदि आप सफल हैं तो अहंकारी मत बनिए, विनम्र रहिए। ये विनम्रता ही आपके बोझ को कम करेगी। और यदि आप विनम्र ना रहे, झुके नहीं, तो आप अपनी ही सफलता के फलों के बोझ से टूट कर गिर जाएंगे। पार्थ, अम्लुष को संभालने के लिए हमें विकोदर भीम की आवश्यकता पड़ेगी। विकोदर भीम, लौह को केवल लौह ही काट सकता है और अम्लुष की राक्षसी शक्तियों का उत्तर केवल एक राक्षस ही दे सकता है। अपने पुत्र घटोत्कच का आवाहन करो भीम। पुत्र घटोत्कच, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। प्रणिपात पिताश्री, आदेश दीजिए पिताश्री, अपने पुत्र का स्मरण क्यों किया? इस राक्षस का
अंत करो पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। अगला लक्ष्य दुर्योधन है पुत्र। अवश्य पिताश्री। दुर्योधन मेरे लक्ष्य तभी हो गया था जब मैंने अभिमन्यु की मृत्यु के विषय में सुना मैंने किस प्रकार छल से इन सब ने मेरे अनुज का वध किया। मैं इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था पिताश्री। आज मैं इसका प्रतिकार लेकर रहूंगा। भतीजे का प्रणाम स्वीकार करें तात्श्री। सुना मैंने किस प्रकार आपने मेरे भाई का वध किया। लज्जा आती है मुझे कि आप जैसे कायर के साथ मेरा कोई संबंध है। आज आपके साथ साथ अपनी लज्जा का भी अंत कर दूंगा मैं। सभी कायरों को उनके छल का दंड अवश्य दूंगा मैं। आचार्य क्या कर रहे हैं आप? कुछ पीजिए अन्यथा कुछ क्षण में ये घटोत्कच युद्ध समाप्त कर देगा। कुछ पीजिए। युवराज इस मायावी को सामान्य युद्ध से नहीं मार सकते। भारतीयों दसों दिशाओं से घेर लो इसे। पूर्ण प्रहार करो। पुत्र घटोत्कच अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा है तो हमें भी गौरव की शेष सेना पर आक्रमण करना होगा।
मैं आज करों की गिनती कुछ और कम कर देता हूं। अद्भुत घटोत्कच, प्रणिपात वासुदेव, परंतु पांडव पक्ष पर रात्रि में हुए इस आक्रमण के पीछे जिसकी कुटिल नीति है, उन गांधार नरेश को प्रसाद अवश्य देना। बालाजी, अपने भांजे के पुत्र का प्राणिपात स्वीकार करें मावसी। मावसी, घटोत्कच, आकार बड़ा हो जाने से बालक बड़ा नहीं हो जाता। तुम मेरे लिए बालक थे और बालक ही रहोगे। तुम भी वैसे ही मरोगे जैसे तुम्हारा भाई मरा था। सावधान। अच्छा किया जो स्मरण करा दिया आपने, मेरे भाई की हत्या में आपका भी बड़ा हाथ था। अब प्रतिकार के लिए तैयार रहें। अश्वत्थामा, जो आ गया मामाश्री। Ha 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 ha
विशाल काय और महामाया धारण करने से कोई योद्धा नहीं बन जाता। तुम्हारी काय और माया दोनों का तोड़ है मेरे पास। लौट जाओ घटोत्कच। प्रणिपात अंगराज, आपके कवच त्याग की कथा सुनी मैंने, तो मन किया कि आप जैसे महादानी वीर के चरण स्पर्श करूं, पर दुर्भाग्य हमारा मिलना इस युद्ध भूमि में हुआ। यहाँ मेरा कर्तव्य कहता है कि आपको चरणों के नीचे कुचल दूं। कदाचित यही भाग्य है। भाग्य का सहारा दुर्बल लेते हैं घटोत्कच, योद्धा नहीं। एक पांडव पुत्र के वध की पीड़ा अभी तक मन से निकली नहीं है। दूसरे के लिए विवश मत करो। अंतिम अवसर देता हूं, लौट जाओ। इस युद्ध में राक्षसों का स्थान नहीं है। ये तो आपके मित्र राक्षस अम्बलुष का आह्वान करने से पहले सोचना चाहिए था अंगराज। सावधान अंगराज। इस मायावी राक्षस का अंत करना होगा, अन्यथा ये हमारी पूरी सेना को समाप्त कर देगा। आपके अस्त्र का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा अंगराज कर्ण। अंगराज, ये राक्षस इतनी आसानी से परास्त नहीं होगा। दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। इसका अंत उसी अस्त्र से होगा। अंगराज, समय नहीं है हमारे पास, शीघ्रता करो। नहीं मामा जी, कर कर बचो। कितनी बार बचोगे अंगराज कर्ण? कब तक भाग्य आपका साथ देगा? अंगराज, खेल समाप्त हुआ अंगराज कर्ण।
इस जन्म और युद्ध से विदा स्वीकार करो। वो अकेला नहीं है। एक बार वन में मेरे पांव में कांटा लगा था, क्रोध में आकर मैंने पूरा वन ही भस्म कर दिया। तुमने भी ऐसी ही भूल की है, अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अंग्रेज, अंग्रेज उठो, अंग्रेज, अंग्रेज दुर्योधन, अंग्रेज, अंग्रेज उठो, अंग्रेज, अंग्रेज उठिए दुर्योधन।